लाचार गोवंश तलाश रहा कचरे से खाना। देखिए इस लाचार गोवंश को जो कचरे के ढेर में थोड़ा सा हरा चारा देखकर उसे खाने की जुगत लगा रहा है, पर अफसोस खाना उसके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में गोमाता और गोवंश की रक्षा तथा पालन पोषण कैसे हो सकेगा। शामली शहर के सीवी गुप्ता कॉलोनी का यह दृश्य देखकर लोगों को गहरी मायूसी हुई। इसके बाद उन्होंने गोवंश के चारे पानी, रखरखाव और चिकित्सा नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों, सरकार और नगरपालिका को जिम्मेदार बताया है। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन लोगों की उद्वेलित भावनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जरूर है जिन्हें गोवंश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये जो गोवंश जो सड़कों पर रहते हैं, गलियों में घूमते हैं, इनके चारे की व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ होना चाहिए इनके लिए? संगीता गुप्ता है मेरा नाम। अच्छा, ये जो गोवंश गलियों में घूम रहा है, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ भैया, इनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए, इनकी रहने की, खाने पीने की, कहीं भी चाहे नगर पालिका सरकार की तरफ से कुछ तो होना ही चाहिए इनके लिए। और गलियों में कोई ऐसा आदमी छोड़ा जाए जो इनके लिए घरों में जो सामान है एक्स्ट्रा वो दे दिया जाए इनके लिए। अच्छा, जो चारागाह की जमीनें हैं उन पे कब्जा है, तो उसका क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन उस कब्जे को मुक्त कराए? जी सब, हम सबको मिलके आपस में सलाह करके कौन करवा सकता है, हमें सबको एकजुट होकर करना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, जो गोवंश पहले दिखाई नहीं देते थे और अब सड़कों में गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है, क्या है? ये तो गोवंश वध पे जो प्रतिबंध लगा है। अच्छा, तो क्या इंतजाम होना चाहिए जैसा गलियों में? राज्य सरकार को इनके उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। हर जिले में गोवंश जो आवारा घूमता है उसके लिए बड़ा तो ढेर बड़ा चारे की देखभाल की इलाज की तो राज्य सरकार का काम है। अच्छा, ये तो नगर पालिका की भूमि भी है, चारागाह की जो जमीन है उस पर भी अवैध कब्जा बताया गया है, उसको उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, अगर नगर पालिका का चारागाह पे अवैध, नगर पालिका के चारागाह पे किसी का अवैध कब्जा है तो तत्काल प्रभाव से खाली होना चाहिए और उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए इनको? इसमें गोवंश में प्रदेश सरकार पूरी तरह से फैल है, इनकी सुरक्षा करने में प्रदेश सरकार को चाहिए। यहाँ पे जमीन पड़ी है सरकार की, उस पे से कुछ में बाउंड्री वाल करा के तारों भी खिंचवा के गोवंश वहाँ पे दे, उनके चारे की, उनके खाने की व्यवस्था करें। इससे उनको तो चोट लगने का खतरा है ही, लेकिन जैसे वे मोहल्लों में घूम रहे हैं उनसे आम आदमी की चोट लगने का भी खतरा रह सकता है कि वो टक्कर ना मार दे। कई बार उनको जख्म हो जाते हैं गोवंश को, उनके डॉक्टर की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। लोग आगे जाते हैं तो कोई उनके डंडे मारता है, कोई भगा दे पानी डाल के, जिससे वे सफाई जब तो उचित तरीके से रह सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाए, उनके डॉक्टर की उचित व्यवस्था की जाए।